ओके हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल केमजोन डेवलपिंग साइंटिफिक अप्रोच। इस वीडियो में हम बात करेंगे नॉन मेटल और फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल। सो फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं नॉन मेटल। नॉन मेटल की अगर हम बेसिकली बात करें तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर 24 नॉन मेटल्स हमारे पास है, जिसमें से 11 जो है वो गैसेस स्टेट में एग्जिस्ट करती है, 1 हमारे पास लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है और 12 हमारे पास जो होते हैं वो सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। फिर हम इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करें सो ये मेटल के जस्ट अपोजिट होती है नॉन मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिर भी कुछ ऐसे पॉइंट है जो हमें याद रखना है, कौन कौन से, तो चलिए बेसिक पॉइंट की पहले हम बात करते हैं। फर्स्ट हमारे पास आता है नॉन मेटल जो होते हैं वो मेलेबल नेचर के नहीं होते हैं, ये डक्टाइल नेचर के नहीं होते, साउंड को प्रोड्यूस नहीं करते हैं और बेड कंडक्टर होते हैं हमारे हीट के। तो ये तो इसके बेसिक पॉइंट है। अब इंटरेस्टिंग पॉइंट क्या है वो ये है कि अगर हम नॉन मेटल की बात करें तो एक्सेप्ट आयोडीन, ये लस्टेरियस नेचर के नहीं होते हैं। फिर हम बात करें नॉन मेटल जो होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते हैं। फिर भी अगर हम बात करें ग्रेफाइट की तो ग्रेफाइट जो होता है कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन होता है जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। फिर हमारे पास पॉइंट आता है कि मेटल जो होते हैं वो सभी फिजिकल स्टेट में एग्जिस्ट करता है, सॉलिड लिक्विड और गैस। सॉलिड का एग्जांपल की अगर हम बात करें तो कार्बन है और अगर हम लिक्विड की बात करें तो ब्रोमीन है और गैस की अगर हम बात करें तो हमारे पास ऑक्सीजन है। देन हम बात करते हैं कि जो नॉन मेटल होते हैं वो सॉफ्ट होते हैं, बट अगर हम कार्बन की बात करें तो वो हार्ड है और एक नॉन मेटल भी है, इसको समझते हैं। सो डायमंड जनरली आपने सुना होगा कि डायमंड हमारा कार्बन का ही एलोट्रॉप होता है और डायमंड एक हार्डेस्ट सब्सटेंस है हमारे नेचर के अंदर। सो ये क्या है हमारा नॉन मेटल है कार्बन जो कि हार्ड होता है, ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। देन अगर हम बात करें हमारे पास आता है फिर कि जो नॉन मेटल्स होते हैं अगर हम इनको वाटर में डिजोल्व करते हैं तो ये एसिड ऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं। सो नॉन मेटल डिजोल्व इन वाटर एंड प्रोड्यूस एसिड ऑक्साइड, जस्ट अपोजिट टू मेटल, ये मेटल के जस्ट अपोजिट है। सो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं हमारे नॉन मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टीज और उसके बेसिक कंसेप्ट को समझ सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।